बिहार में सियासी हलचलें थमने को नाम नहीं ले रही। हमारे साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं। सर, जिस तरीके से जेडीयू, बीजेपी, रामसूरत राय इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, क्या लग रहा सरकार स्थिर में चलेगी बिहार में, या फिर सब अटकलें ही लगाते रहेंगे कि सरकार चल भी पाएगी कि नहीं? देखिए, ये बेमेल की शादी है, शुरू से ही हम बताते रहे हैं, और ये सिर्फ सत्ता का एक सामंजस है। कोई वैचारिक तो उन लोग को आपस में मतभेद नहीं है, तो जब तक सत्ता का लोग को लालच है तब तक सरकार चलेगी। और मैं समझता हूँ कि बिहार में इस कारण से काफ़ी नुकसान हो रहा है, चाहे विकास का काम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन पर उसका प्रभाव हो, बहुत बुरा पड़ रहा है। इसलिए आपस में अगर सामंजस्य नहीं है तो संबंध विच्छेद करना चाहिए, क्योंकि सरकार जब भी चले तो जनता पर यह मैसेज जाना चाहिए जो सरकार संगठित है और मजबूत है, यह नहीं पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार जाएंगे और विधानसभा के शताब्दी समारोह का में जो स्तंभ है उसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन राजद ने मांग कर दी है कि ये सबसे अच्छा मौका है कि प्रधानमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, जो लगातार बिहार के लिए बातें करते आ रहे हैं वो करें। नहीं, हम इस मांग के समर्थन में हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, वो तो हमारे राजद का हो या मेरा हो तो है ही, जदयू का भी डिमांड रहा है। इसलिए जदयू वाले को इसमें बहुत ही तत्परता से और मजबूती से इस बात का घोषणा करें प्रधानमंत्री, या मांग करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, पप्पू यादव ने बीते दिनों कहा था कि वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देंगे, कांग्रेस उनको तारीख बता दे और आला कमान से मुलाकात करा दे। इस पर बातचीत नहीं हुई है, पहले भी कैरोन बातचीत हुई है, लेकिन जब तक आला कमान का इस पर निर्देश नहीं आ जाता है तब तक तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता। तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में बेमेल की शादी है, सरकार संगठित रहेगी तभी जनता में विश्वास रहेगा, जो हो नहीं पा रहा। कैमरा पर्सन रंजन के साथ नेहा जी, मीडिया दिल्ली।